नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं नेशन भारत न्यूज। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने पटना पहुंचते ही एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। चिराग पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जातीय जनगणना और विशेष राज्य के दर्जे की मांग लगातार उठा रहे हैं। अगर वाकई में यह इसे चाहते हैं तो भाजपा से अलग हों। विभिन्न राजनीतिक दल उनका इस मामले में समर्थन कर रहे हैं, लेकिन वह सिर्फ विरोध कर रहे हैं, अलग नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वह अपनी राजनीति करना चाहते हैं। भाजपा का विरोध कर अन्य विरोधी दलों का समर्थन करना चाहते हैं ताकि कोई उन्हें पीएम दावेदार बनाए। बदलाव होगा क्या बिहार में, ऐसा लगता है? देखिए, मुझे नहीं पता बदलाव होगा कि नहीं होगा, पर इस बात को मैं बार बार मैं कहता रहा हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी के मन में प्रधानमंत्री बनने की जो लालसा है, पीएम मटेरियल ये सिर्फ हवा हवाई बातें नहीं है भैया। अगर किसी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में औपचारिक तौर पर अगर ये प्रस्ताव पारित किया जाता है कि भैया ये पीएम मटेरियल हैं, तो इसका मतलब ये स्पष्ट है भाई। 2013 में भी क्यों गए थे ये अलग? मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, जब उनका नाम प्रधानमंत्री पद के लिए जब प्रस्तावित हुआ था, उसी से छिटक कर ना ये अलग हुए थे। और तब से लेकर अभी तक इनके मन में मंशा है कि भैया अगर एक गुजरात के मुख्यमंत्री, अगर वो अगर देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद, तो भैया मैंने तो 5-5 बार की मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, तो मैं प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता? तो ये जो उनकी ख्वाहिशें हैं, ये इनको चैन से बैठने नहीं देती, इसीलिए छटपटाहट है। और अगर ऐसे में अगर ये महागठबंधन के साथ चले जाते हैं तो यकीनन ये इसी उद्देश्य के साथ जाएंगे। भैया मौका ही ढूंढे ना, क्यों पेगासस पे आपको अपने ही गठबंधन साथी के खिलाफ स्वर उठाने, क्यों CANRC पे आपको अपने ही गठबंधन साथी के खिलाफ स्वर उठाने हैं? जातिगत जनगणना की बात हो, हर विषय पर तो ये भाजपा का विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि ये मौका ढूंढ रहे हैं कि कोई एक कारण बने जिससे ये भाजपा से ये अलग हो और अलग जाकर ये महागठबंधन से प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने। इनको क्या मिला साथ जाने से? स्पेशल स्टेटस नहीं मिला बिहार को, कुछ नहीं मिला साथ में रहकर। भाई डबल इंजन की आपकी सरकार चल रही है, आज तक एक चीज बताइए ना, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद प्रदेश में विकास के लिए ला सके। स्पेशल स्टेटस की बात ही हो, भाई इनके खुद के डिप्टी CM उसके लिए साफ मना कर चुके हैं कि यहाँ पे कोई स्पेशल स्टेटस की जरूरत नहीं है। तो बताएं कि फिर इस गठबंधन में क्यों, किस लालच के साथ हैं? अगर आपकी किसी बात को सुना ही नहीं जाता है तो ये अपनी भी बातों को स्पष्ट करें कि भैया क्यों। फिर ये वही बात हुई ना, ये सिर्फ डराने की राजनीति कर रहे हैं भाई। जातीय जनगणना नहीं हो रही, हिम्मत दिखाइए, अलग होके दिखाइए। आज अगर स्पेशल स्टेटस की बात नहीं हो रही, हिम्मत कीजिए, करके दिखाइए। पर नहीं, डराएंगे भी। क्यों? क्योंकि जब तक वहाँ पे रोटी तय ना हो जाए, जब तक क्लियर ना हो जाए कि महागठबंधन में कोई इनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार मानेगा कि नहीं मानेगा, वहाँ पे भी तो इनकी लड़ाई है ना। बगल से ममता बनर्जी इनको वहाँ से आग दिखाएंगी कि भाई तुम कैसे, हम सामने, कांग्रेस कैसे इनको मानेगी। तो ये सिर्फ अपनी ही राजनीति में उलझ कर इन्होंने बिहार को बर्बाद करके रखा हुआ है। आज की तारीख में जो बिहार के सही मुद्दे हैं भाई, जितने अभ्यर्थी हैं, जितने लोग सड़क पर बैठे हुए हैं, विभिन्न विभिन्न कारणों से आंदोलन कर रहे हैं, उनकी बातों को सुनते नहीं है। बेरोजगारी जो सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार में, उसकी बातों को नहीं सुनेंगे, ये उलझा के रखेंगे भैया कभी आपको शराब। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए बने रहिए नेशन भारत के साथ। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।